आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। चैलेंजिंग क्वेश्चन एमसीक्यू है, एक एमसी क्वेश्चन है, पंजाबी विच भी होगा, हिंदी में भी होगा और इंग्लिश में भी होगा। क्वेश्चन है, पावलोव डिड एक्सपेरिमेंट इन थ्री फेजेस, दैट इज बिफोर कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग एंड आफ्टर कंडीशनिंग। इन फर्स्ट स्टेज, दैट इज बिफोर कंडीशनिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। नंबर वन, साउंड ऑफ बेल प्रोड्यूस नो रिस्पॉन्स, मीट पाउडर प्रोड्यूस नो रिस्पॉन्स, बोथ मीन साउंड ऑफ बेल एंड मीट पाउडर, बोथ प्रोड्यूस नो रिस्पॉन्स, बोथ प्रोड्यूस रिस्पॉन्स। पावलोव ने तीन पड़ावों विच प्रयोग किया, जो कि कंडीशनिंग तो पहला, नंबर एक कंडीशनिंग के दौरान, नंबर दो ते कंडीशनिंग तो बाद हुंदा है। पहले पड़ा यानी कंडीशनिंग तो पहला, इन्हां विचों केड़ा सही है? घंटी की आवाज़ कोई जवाब नहीं पैदा करती। नंबर दो, मीट पाउडर कोई जवाब पैदा नहीं करता। नंबर तीन, दोवें ही कोई जवाब पैदा नहीं करते। दोवें ही तो भाव है घंटी की आवाज़ भी और मीट पाउडर, दोनों ही जवाब पैदा नहीं करते, मतलब रिस्पॉन्स पैदा नहीं करते। चौथा ऑप्शन है, दोवें प्रतिक्रम पैदा करते हैं, मतलब जवाब पैदा करते हैं या रिस्पॉन्स पैदा करते हैं। हिंदी में है, पावलोव ने कंडीशनिंग से पहले, कंडीशनिंग के दौरान और कंडीशनिंग के बाद, ये तीन चरणों में प्रयोग किया था। पहले चरण में, कंडीशनिंग से पहले, निम्न में से कौन सा सही है? नंबर एक, घंटी की आवाज से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती, प्रतिक्रिया का मतलब रिस्पॉन्स है, मीट पाउडर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। नंबर तीन, दोनों मतलब घंटी की आवाज और मीट पाउडर कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। नंबर चार, दोनों प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। नंबर चार, दोनों प्रतिक्रिया उत्पन्न करते हैं। तो आपको जवाब देना है, इंटरेस्ट बनाए रखना है, जुड़े रहना है। अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन को बनाने के पीछे क्या तात्पर्य होगा, क्या पर्पस होगा। कोई नेचुरली इंटेलेक्चुअल पर्पस है? सो कन्फ्यूजन पैदा हो रही है तो नेचुरली है कि नॉलेज की तरफ बढ़ेंगे। जरूर दीजिए कॉमेंट बॉक्स में, आपको देना है एक, दो, तीन या चार। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।